वेलकमिंग एवरीवन टू द वीडियो। हम आज बात करने वाले हैं 1.9.0 पैच की। सारे खिलाड़ी जो नए वर्जन 1.9.0 में अपडेट करेंगे उन्हें एक वाइल्ड एम्बिशन सेट मिलेगा जो कि 7 डेज के लिए है। और भाई साहब ये तो सही में राड़ा चौगा है। होली धमाका नया स्टार्टिंग आइलैंड और एक शानदार स्काई आइलैंड आ रहा है इरागल में। नया और बेहतर स्टार्टिंग आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। आप रैंक टैब में जाके इरांगल और लिविक को चूज करके होली धमाका थीम मोड खेल सकते हैं। इरांगल और लिविक में स्का आइलैंड मिलेगा जब आप प्लेन से पैराशूट करेंगे। आपको दो आइलैंड दिखेंगे, एक जिसमें इजिप्ट जैसे पिरामिड्स होंगे और एक में विंटर थीम आइस कैसल। जब आप स्का आइलैंड पर लैंड करेंगे आपके कैरेक्टर का फेस एक क्यूट सर्कल में बदल जाएगा। आप स्का आइलैंड से कॉइन्स लेकर उन्हें ग्राउंड पर लैंड करके यूज कर सकते हैं। जब टाइम खत्म होता है तो स्का आइलैंड बंद हो जाएगा और सारे प्लेयर्स ग्राउंड्स पर गिर जाएंगे। और हाँ, आप एनिमी से फिनिश होकर भी ग्राउंड पर गिर जाएंगे। स्का आइलैंड में आपके कैरेक्टर का चेहरा बड़ा हो जाएगा जब वो एनिमी से मार खाएगा और फिनिश होने पर वो हवा में फ्लोट करेगा। टीममेट्स फ्लोटिंग प्लेयर को शूट करके उन्हें सेव कर सकते हैं। अगर वो सेव करने में नाकाम होंगे तो प्लेयर फिनिश हो जाएगा और ग्राउंड्स पर गिर जाएगा। फिकर ना करें, आप खुद भी स्काई आइलैंड से जंप करके ग्राउंड्स पर जा सकते हैं। और दोस्तों मैप में है वाइब्रेंट प्लाजा और वाइब्रेंट कैंप। हम जाएंगे वाइब्रेंट प्लाजा में और यहाँ पे दोस्तों हमको मिल रहा है एक मशीन। इसके हम क्लिक करके हम यहाँ से मंगवाएंगे लूट। और दोस्तों यहाँ पे एक बटन है, इसको एक्टिवेट करेंगे। सामने पेटी आ चुकी, इसको लूटेंगे। सेम चीज दोस्तों हमको वाइब्रेंट कैंप में भी मिल रही है। हमको यहाँ पे बटन दबाया, हमको मिला है पेटी। दोस्तों हमको मिली है साइकिल। यहाँ पे हम साइकिल को चलाएंगे। ये हमने साइकिल को खोला है, हमको साइकिल को इसको चलाएंगे मस्त। ये हमने कराया साइकिल को जंप। क्या बात है, मस्त चल रही है ये साइकिल। अरे भाई गोली नहीं चला सकता मैं साइकिल चलाते। ये हमने साइकिल को तेज चलाया यार, गजब अपडेट है, मजा आ गया यार। पीजीएमआई के नए अपडेट में अब प्लेग्राउंड और भी बड़ा हो चुका है। मैप्स पे ये प्लेटफॉर्म रहेंगे जिनको यूज करके हम कहीं पर भी इजीली जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे। तो प्लेग्राउंड में एक नया इंडोर शूटिंग रेंज भी आ चुका है। यहाँ से मैं मेरी फेवरेट गन M4 को ही यूज करने वाली हूँ फॉर प्रैक्टिस। प्लेग्राउंड में एक न्यू रेसिंग ट्रैक भी ऐड हो चुका है, चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स या अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं जीत जाती हूँ इस रेस को। गाइस नया सोसनो का ब्रिज आ चुका है, चलो उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये ब्रिज का साइज बहुत ही बड़ा हो चुका है डूड। यहाँ पर अगर कभी भी ब्रिज ब्लॉक होगा तो हम यहाँ से जा सकते हैं। ये ब्रिज तो बहुत ही ऑसम रहने वाला है फाइट्स के टाइम पे। गाइस अब तो कॉम्पी में भी मजा आने वाला है। लिविक को यार इन्होंने काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, मतलब कि घर को भी थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया है। अर्बन जोन्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। भाई सच बताओ ना, पूरी की पूरी रियून सिटी वाली फील आ रही है। जिप लाइन एनिमेशन को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया है और अब देखने में यार ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई मैं कौन सा मैप खेलूं, तो अब इस फीचर की मदद से गेम मेरी हेल्प करेगा कि भाई मेरे को कौन सा मैप खेलना है और अब मेरे को और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस फीचर की मदद से कोई भी एक रैंडम मैप लगेगा जिसको मैं आराम से खेल सकता हूं। और साथ में एरिना मोड का ऑडियो इंप्रूवमेंट हुआ है। इस ऑडियो इंप्रूवमेंट के साथ में फुटस्टेप और गन फायर को अच्छे से सुन के अपने एनिमीज को हरा सकते हैं। और भाई मेरा एनिमी यहां से मेरे से इतना दूर था और मेरे को इजीली उसके फुट साउंड आ गए और भाई इजीली मैंने उसको मार दिया। मतलब ये तो यार काफी ज्यादा एडवांटेज वाली चीज है मेरे लिए भी और सामने वाले एनिमी के लिए भी। तो गाइस ये थी यार अपनी 1.9.0 की अपडेट। इस अपडेट में आपको जो भी पसंद आया हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। मिलते हैं अब गेम में।